ये नफरत का माहौल चल रहा है, ये कौमी यकजहती के जलसों से खत्म होने वाला नहीं। तो परवीन तोगड़िया साहब को जमात में जाना चाहिए, 3 दिन लगाना चाहिए। अगर ज्यादा वक्त है तो चिल्ला लगाए, आपको इंशाल्लाह पता चलेगा कि तबलीगी जमात क्या काम कर रही है। तीन संस्था पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात, जमात उलेमाए हिंद, उनकी सभी मस्जिद मदरसे बंद करवा देना चाहिए और उसके सभी मौलवियों को गिरफ्तार करके जेल में भेज देना चाहिए। वरना भारत का तालिबानीकरण आतंकवादी घटना से भारत बच नहीं पाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हमारे मुल्क में जो तालिबान को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर लड़ाई शुरू है, तालिबान और अफगानिस्तान और अमरीका के बीच में भी इतनी लड़ाई नहीं होगी जितनी यहाँ पर भारत में शुरू है। अब फिर कल का एक बयान है परवीन तोगड़िया साहब का, उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में जो तबलीगी जमात के लोग हैं, जो जमीयतुल उलमा के लोग हैं, जो उलमा है, दारुल उलूम देवबंद है, इनको जेल में डाल देना चाहिए उलमा को, और मदरसे को पाबंदी लगा देनी चाहिए, तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा देनी चाहिए और जमीयतुल उलमा पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। या ऐसे संगठन है जो देश में इनकी वजह से खतरा बढ़ सकता है, ये कह रहे हैं परवीन तोगड़िया। वैसे ये अपने जहरीले बयानबाजी की वजह से मशहूर है, पिछले कई दिनों से, काफी दिनों से छुपे हुए थे और अब अचानक ये सामने आ गए। इनका आते ही एक जहरीला बयान जिसको लेकर मुल्क में एक नफरत का माहौल बनता दिखाई दिया जा रहा है। और अब वो कुछ लोग ऐसे भी हो गए जो बेचारे इनके बयान के पीछे चले गए, इनकी पैरवी करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे बयान को गलत कहेंगे, जो हमारे मुल्क के सच्चे अच्छे भारतीय हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। तो अभी परवीन तोगड़िया का जो बयान है वो तालिबान और अफगानिस्तान के मामले को लेकर ही है। जिन लोगों ने तालिबान की हिमायत की उन पर केस दर्ज किया गया, मगर जिन लोगों ने तबलीगी जमात को अफगानिस्तान और तालिबान से जोड़ा, जमीयतुल उलमा को तालिबान से जोड़ा, इस पर पाबंदी लगाने की बात की, इनको जेल में डालने की बात की, तो मैं ये सोच रहा हूं कि अब परवीन तोगड़िया पर कब FIR दर्ज होगी, केस होगा। तो इसके लिए भी हमारी तंजीमों को, हमारे कायदीन को मैदान में आना पड़ेगा, वरना फिर वही रसम जो कई सालों से, कई दिनों से, महीनों से मुसलमानों के साथ यहां पर हो रहा है वो होता ही रहेगा। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है, मुसलमान तो बेचारे बेजानों मददगार है, कोई ठोस कदम तंजीमें कायदीन उठाते नहीं है, मुसलमानों की मुकम्मल रहनुमाई करते नहीं है, और मुसलमान है कि आपस में लड़ने से उनको फुर्सत नहीं है। मैं तो कहता हूं कि परवीन तोगड़िया ने ना तबलीगी जमात का मुआयना किया, ना दारुल उलूम देवबंद का सही से मुआयना किया, ना वहां पर गए, ना ही देखा वहां पर क्या पढ़ाया जाता है, तबलीगी जमात में क्या सिखाया जाता है, और जमीयतुल उलमा किस मिशन को लेकर काम कर रही है। मैं आपको बता दूं कि दारुल उलूम देवबंद का कयाम ही इस मुल्क में उस वक्त हुआ जबकि मुल्क में अंग्रेजों का कब्जा हो रहा था, बल्कि हो गया था, और मुल्क से अंग्रेजों को भगाने के लिए दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी, और ये वो लोग थे जिन्होंने इस मुल्क की आजादी में बहुत बड़ा हिस्सा लिया, उनका बड़ा योगदान है। इन लोगों को माल्टा की जेल में अंग्रेजों ने बंद किया और इन्हीं लोगों ने, जो दारुल उलूम देवबंद के बनाने वाले थे, उसकी बुनियाद रखने वाले थे, दारुल उलूम देवबंद को तामीर करने वाले थे, ऐसे लोगों को जेल में डाला गया। सालों वो जेल में रहे और जेल से आने के बाद, और जेल में भी उनकी ये फिक्र थी, मदरसे का कयाम भी सिर्फ इसीलिए डाला गया था कि इस मुल्क में अमन शांति फैले, अंग्रेजों का तसल्लुत यहां से खत्म हो, अंग्रेजों की हुकूमत यहां से खत्म हो, और यहां के हिंदू मुसलमान एक खुशगवार जिंदगी कैसे गुजारे, ये दारुल उलूम देवबंद का मकसद था। जमीयतुल उलमा का मिशन यह था कि हमारे मुल्क में अमन शांति का काम हो, भाईचारे का काम हो, एकता हमारे मुल्क में फैले, नफरतों का माहौल हमारे यहां पर खत्म हो, और आज तक 100 साल से जमीयतुल उलमा ये काम कर रही है। फंड के नाम पर हिंदू हो मुसलमान हो, तालीम के लिए सबको फंड देती है, कई आफात मुसीबतें आती है तो क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबको जमीयतुल उलमा तामीर घर तामीर करके देती है, उनका ताउन करती है, उनको पैसों की मदद होती है तो पैसे दिए जाते हैं। किसी कहीं भी कहीं बहुत सारी जगह पर ऐसे जहां पर जमीयतुल उलमा ने बगैर धर्म के देखे लोगों की मदद की है, हिंदू हो मुसलमान हो सबको दिया, घर भी दिया, पैसा भी दिया, सामान भी दिया, सारी चीजें दी,
और जमीयतुल उलमा का मकसद भी यही है कि हमारे मुल्क में अमन भाईचारे का माहौल पैदा हो, इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा हो, आपसी झगड़ा हमारे मुल्क में खत्म हो। ये जमीयतुल उलमा का मिशन है और 100 साल से जमीयतुल उलमा ये काम कर रही है। तबलीगी जमात का मामला ये है कि जो बेचारे मुसलमान है, जो दीन पर नहीं है, उनको जाकर घर घर जाकर दीन की तालीम को समझाए। तबलीगी जमात वालों से बेचारे उनका ना दुनिया से कोई ताल्लुक है, ना जमीन के नीचे, ना जमीन के ऊपर, ना आसमान के नीचे क्या हो रहा है उसको उनसे कोई लेना देना नहीं। आप कुछ भी करो, बस अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात लोगों तक पहुंचाने का उनका काम है, उनका मकसद है। लोगों को जो बेचारे शराबी है, कबाबी है, जो फुटपाथ पर जिंदगी गुजार रहे, मस्जिद से दूर है, उनको मस्जिद में लाना है, अल्लाह के दीन की बात सिखाना, ये तबलीगी जमात का एक काम है। लेकिन जिस तरीके से परवीन तोगड़िया ने तबलीगी जमात को और दारुल उलूम देवबंद को, जमीयतुल उलमा को बदनाम करने की कोशिश की है, ये उसकी नाकाम कोशिश है, ये तो जाहिर है, समझ में आ रहा है। लेकिन ऐसे जहरीले बयानबाजियों का सिलसिला बंद होना चाहिए। और तबलीगी जमात को यह कहा कि पाकिस्तान में 1 करोड़ तबलीगी जमात थे, उन्होंने 70,000 तालिबानी पैदा की, तो हमारे यहां भारत में 7 करोड़ तबलीगी है और उन वो लोग भी जो है तो हमारे यहां पर मुल्क में तालिबानी पैदा कर सकते हैं। कश्मीर में जो आतंकवाद चल रहा है, कश्मीर में जो हंगामा चल रहा है, ये बढ़ सकता है, हमारा मुल्क खतरे में आ सकता है, हिंदू खतरे में आ सकता है। ये हमारे परवीन तोगड़िया ने बयान दिया है। हमारे मुल्क भारत के एक नागरिक है और बड़े माने जाते हैं, लोग उनकी बातों को सुनते हैं, उनको बड़ी इज्जत और एहतराम देते हैं, लेकिन उनके मुंह से जो जहरीला बयान निकल रहा है ये उनकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। हाँ, ये अलग बात है कि उनका यही मशगला है, उनका यही काम है कि मैं मेरे मुंह से गंदगी कैसे निकालूं। जब तक मुंह से गंदगी नहीं निकलती, इनको चैन और सुकून नहीं आता है। लेकिन आपको बता दें कि परवीन तोगड़िया साहेब हमारे मुल्क में 7 करोड़ नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा तबलीगी जमात के लोग हैं जो हमारे मुल्क में तबलीगी जमात से जुड़े हुए और काम कर रहे हैं। तो परवीन तोगड़िया साहेब को जमात में जाना चाहिए, 3 दिन लगाना चाहिए, अगर ज्यादा वक्त है तो चिल्ला लगाए, आपको इंशाल्लाह पता चलेगा कि तबलीगी जमात क्या काम कर रही है। सिर्फ हवाई बातें करना, घर बैठकर बातें करना और इनको आतंकवादी बताना, ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, गलत बात है, जो हमारे मुल्क के माहौल को खराब कर सकती है। और आपने कहा कि तबलीगी जमात तालिबानी जहनीत की है, जमीयतुल उलमा वाले तालिबानी है, ये तालिबानी पैदा कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये तालिबानी कैसे हो सकते हैं। ये वो लोग है बेचारे जिनको आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है, चाहे तबलीगी जमात का मामला हो, जमीयतुल उलमा का मामला हो, या हमारी मुस्लिम मिल्ली तंजीम हो, मुस्लिम कायदीन हो, इनके पास इतना वक्त ही नहीं है कि इत्तेहाद इत्तेफाक एकता अमन शांति हमारे यहाँ पर पहले पैदा करे, उसके बाद कुछ आगे का सोचे। वरना देखो आप 100 साल से जमीयतुल उलमा काम कर रही है, तबलीगी जमात काम कर रही है, दारुल उलूम देवबंद का कयाम हमारे मुल्क में है और पिछले 10-12 सालों से जमीयतुल उलमा कौमी यकजहती के प्रोग्राम ले रही है, लेकिन उसके बाद भी इधर कौमी यकजहती का प्रोग्राम होता है, उधर मुसलमान की मॉबलिंचिंग होती है, इधर ईद मिलन प्रोग्राम होता है, उधर मुसलमान की मॉबलिंचिंग होती है, इधर कौमी यकजहती का प्रोग्राम होता है, जमीयतुल उलमा का स्टेज होता है, वहां पर हिंदू साधु आते हैं, लच्छेदार जबरदस्त तकरीर करते हैं, मगर फिर दूसरी तरफ से मुसलमानों के खिलाफ जहरीला बयानबाजी की जाती है, मुसलमानों को आतंकवादी टेररिस्ट ठहराया जाता है। इस पर ना कोई साधु बयान देता है और ना ही जमीयतुल उलमा या मुस्लिम कायदीन मुस्लिम तंजीमें जोरदार अंदाज में इसकी मुखालिफत करते हैं। बस एक बयान दिया जाता है, मीडिया में एक शाया होता है, उसकी चर्चा हो जाती है, बस बाकी खत्म। कोई एक जबरदस्त प्लान ना जमीयत के पास है, ना ही मुसलमान किसी मुस्लिम तंजीमों के पास है, इनको आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है। ये तालिबानी कैसे हो सकते? अगर तालिबानी आपस में लड़ते तो क्या अफगानिस्तान पर वो कब्जा कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। इसके लिए तो आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक होना साहेब बहुत जरूरी है और ये मुसलमानों के पास बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि ये आतंकवादी है, आतंकवादी काम कर रहे हैं, तो हमारे मुल्क में जितने भी आतंकवादी हमले हुए, चाहे वो बाबरी मस्जिद की शहादत हो या फिर राजीव गांधी की हत्या हो या फिर सिखों का कत्लेआम हो, आप बता दीजिए कि कितने मुसलमान इसमें शामिल थे, कितने मुसलमानों ने ये काम किए, और इससे बड़े बड़े आतंकवादी घटना आतंकवादी हमले हमारे मुल्क में ऐसे जो मैं आपको बता दूंगा जिसमें मुसलमान का किसी भी तरीके से कोई ताल्लुक नहीं है। मुसलमान तो बस अब सिर्फ
भारत में मॉब लिंचिंग के लिए रह गया कि उसकी मॉब लिंचिंग की जाए, उसको मारा जाए, उसको काटा जाए, उसको जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया जाए। और मुसलमान का इस मुल्क में कोई मकसद नहीं है, यह आपने बयान दिया। इसको भी जमीयतुल उलमा सुनेगी, तबलीगी जमात सुनेगी, पूरे मुल्क के मुसलमान सुनेंगे, एक दूसरे को व्हाट्सएप पर फेसबुक पर शेयर करेंगे और जबरदस्त मीठी नींद सो जाएगी। इसके बाद भी कुछ नहीं होने वाला, तो मुसलमान तो सोई हुई कौम है। और आप कहा इनको आतंकवादी और टेररिस्ट बता रहे हैं, इनका तो ना ये ना आतंकवादी है ना टेररिस्ट है, ना ही इसकी तालीम यहां पर देते हैं। और आपने ये भी कहा कि हमारे बड़े भाई नरेंद्र मोदी, नरेंद्र भाई जो प्रधानमंत्री, ये जो है इन पर पाबंदी लगाएंगे, तो मोदी जी को शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी खुलेआम हमारे मुल्क में ये दावत दे रहा है, कह रहा है कि ये आतंकवादी है, इन पर पाबंदी लगाई जाए, ये तालिबानी पैदा कर सकते हैं। तो आप पीएम है, आप हमारे मुल्क के एक बड़े ओहदे पर है, पूरा मुल्क आपके कंट्रोल में है, आपको क्या हिंदू क्या मुसलमान सबने इस मुल्क का प्रधानमंत्री बनाया है, आपको वोट दिया है और आप सबके प्रधानमंत्री है, तो अब आपकी तरफ से एक ठोस कदम उठना चाहिए, आपको कुछ सही बात बतानी चाहिए कि ये जो मेरे को अपना बड़ा भाई कह रहा है, तो मेरा छोटा भाई यानी परवीन तोगड़िया खुद गलत रास्ते पर है, इसकी अभी तक इसलाह नहीं हुई, ये अभी तक समझ नहीं पाया कि हमारे मुल्क का माहौल क्या है, यहाँ पर ऐसे बयानबाजी नहीं चलती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर ध्यान देना चाहिए, केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, ऐसी अपोजिशन पार्टी हमारे मुल्क की जितनी है उसको तवज्जो देनी चाहिए और इसके लिए मैदान में खड़े होना चाहिए कि ऐसे बयानबाजी मुसलमानों के खिलाफ मुल्क में कब तक चलेगी, कब तक जहरीले बयान इस मुल्क में चलाए जाएंगे। होता तो कुछ नहीं, सिर्फ एक गरीब मुसलमान को पकड़कर मारा जाता है जय श्री राम के नाम पर, हिंदू मोहल्ले में भाई भीख मांगने के लिए आ गया उसको मार दो, हिंदू मोहल्ले में अपना धंधा करने के लिए आ गया, व्यापार करने के लिए आ गया, तिजारत वाला उसको मार दो, किसी ने अपनी गाड़ी का नाम किसी हिंदू के नाम पर रख लिया और मुसलमान है तो उसको मारो, बस इसी यही माहौल हमारे मुल्क का हो रहा है, क्योंकि इनमें इतनी ताकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी हट्टे खट्टे और ताकतवर मुसलमान का मुकाबला कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान इस मुल्क के अंदर अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं और मुसलमान कमजोर कौम नहीं है, मुसलमान खुद ताकतवर कौम है और मुसलमानों के अंदर एक जज्बा है, लेकिन मुल्क के माहौल को मुसलमान खराब करना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो हमारे मुल्क में बयानबाजी चल रही है ये बहुत गलत बात है, इसके लिए जो मुस्लिम तंजीमें हैं कायदीन, इनको खुलकर मैदान में आना पड़ेगा, दबी जुबान में बयान नहीं देना पड़ेगा, दबी जुबान में मजम्मत नहीं करनी पड़ेगी, जोरदार अंदाज में इसकी मुखालिफत करो, जैसा भी हो वैसा इसको खत्म करने की मुल्कों से कोशिश करो, तभी मुसलमान मुस्लिम तंजीमें मुस्लिम कायदीन इस मुल्क में तरक्की कर सकेंगे, मॉब लिंचिंग हमारे मुल्क की रुकेगी और जो नफरत का माहौल चल रहा है ये कौमी यकजहती के जलसों से खत्म होने वाला नहीं है, इसके लिए अमली शक्ल इख्तियार करनी पड़ेगी, मैदान में उतरना पड़ेगा, तब काम मैदान में काम करना पड़ेगा, तब जाकर इसका कुछ न कुछ फायदा हमको नजर आएगा।